शाहजहांपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के थाना बंडा क्षेत्र में एक दबंग ने नाबालिग को बंधक बनाकर बलात्कार की कोशिश की। मामला दो समुदायों के बीच का होने की वजह से तनाव के हालात बने हुए हैं। हम अपने घर पे थे, हमारे देवर गए थे इंदलपुर में बार काटने के लिए, हमारे घर वाले गए थे होली मिलने के लिए, लड़के भी नहीं थे घर पे, इसकी मम्मी गई थी घाट छोड़ने के लिए। वो लड़का आया, इसके हाथ पकड़ के खींचने लगा, जब तो चीखी चिल्लाने तो हम बच के गए, तो हमने हम ज्यादा शोर गुल मचाए चिल्लाने तो सब लोग आ गए। तो बताया जा रहा है कि 15 साल की नाबालिग घर में अकेली थी, तभी गांव का दबंग उसके घर में घुस गया और बलात्कार की कोशिश करने लगा। लड़की के शोर मचाने पर आरोपी भाग गया, लेकिन शिकायत करने पर आरोपी के परिजनों ने पीड़ित उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। प्रधान शिकायत करने गए तो प्रधान ने लोगों को डांटा, डांट करके भगा दिया, बोला कि देखो यहाँ पर छोटी मोटी शिकायत लेकर आई हो, 10-15 लोग आए हमारे घर पे उसे आकर के, तो हमारे मोहल्ले में 10-20-50 लोग ने मतलब आकर के बीच बचाव कराए आते। किस लड़के ने छेड़ा? किस जफर 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 उसने जबरदस्ती पकड़ लिया? हाँ, जबरदस्ती लड़के को पकड़ा। पीड़ित जब थाने पहुंची तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें थाने से टरका दिया। पुलिस गांव भी गई, लेकिन बिना किसी कार्रवाई के खाली हाथ लौट आई। घटना के बाद से ही गांव में तनाव है और पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। अमित कुमार शर्मा, शाहजहांपुर, जनमन टीवी।